बच्चों की नाक बहुत बहती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है। बागवट जी कहते हैं कि नाक बह रही हो, सर्दी बहुत हो, जुकाम बहुत हो, तो गोमूत्र तो नहीं कहा उन्होंने, गोघृत कहा। गोघृत माने गाय का घी, एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के, सर्दी जुकाम ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग, गाय का घी। अच्छा, आपको नींद नहीं आती, अच्छी नींद लेनी है, बढ़िया नींद लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, रात को एक एक बूंद गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ, बहुत गहरी नींद आएगी। आपको खर्राटे बंद करने हैं, बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय, सोने वाला तो नहीं जानता, पड़ोसी जानता है कि क्या तकलीफ होती है। तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा मैं बता के जा रहा हूं, गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल लो, 3 दिन बाद चौथे दिन से खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्मूथ एकदम आपकी नींद हो जाए। तो गाय के घी का भी उपयोग है औषधि के रूप में, गोमूत्र का। अब आता हूं, बाल झड़ते हैं बहुत, बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं बाल झड़ रहे हैं, तो गाय के दूध का दही बनाओ, दही, दही को तांबे के बर्तन में रख दो, 5-6 दिन रखा रहने दो, फिर हरा हरा हो जाएगा, फिर उस दही को बालों में लगाओ, 1 घंटे के बाद बाल धो दो शीकाकाई से, शैंपू से नहीं, शीकाकाई से, हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं। और बाल टूटना एक ही हफ्ते में बंद हो जाते, एक ही हफ्ते। कई बहनों ने तो मुझे बताया, राजीव भाई हमने तो एक ही बार किया था, उतने में भी बंद हो गए। अच्छा, भविष्य में बाल ना टूटे, अच्छे रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तो महीने में 1 बार या नहीं तो महीने में 2 बार गाय के मूत्र से बाल धो लो, बहुत अच्छा कंडीशनर है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंडीशनर है गाय का मूत्र। तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते ना, उसकी जगह गोमूत्र यूज कैसे करें, गाय के मूत्र में थोड़ा पानी मिला देना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर लेना। और आगे बढ़ता हूं, बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो, बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को 1 चम्मच गोमूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा। आपको पीना है तो आप भी पी लो, आधा कप तक पी सकते हैं। फिर उसके बाद मूत्रपिंड के जितने भी रोग हैं, मूत्रपिंड के रोग आप सब समझते हैं, किडनी के फेलियर के और किडनी के तकलीफ के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, उपयोग करो। गाय का मूत्र आधा कप, किडनी फेलियर के सब केसेस में आप उपयोग कर सकते हैं, मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा, पेशाब में जलन होती है गोमूत्र पीना शुरू करो जलन बंद, पेशाब कई बार लाल रंग का आता है गोमूत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा। मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गोमूत्र से ठीक होते हैं। फिर आपको कब्जियत बहुत है, कब्जियत, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 दिन गोमूत्र पी लो आधा आधा कप, 4th दिन से एकदम पेट साफ होगा, एकदम पेट साफ। फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। पित्त के रोगों के बारे में बागवट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग ज्यादा करें। पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है, एसिडिटी, ये लोग अगर गोमूत्र पिए पित्त ठीक करने के लिए तो घी ज्यादा खाएं, बस इतना ही निवेदन है उनका, बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें। तो बाल में उपयोगी, शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना सब चले जाएं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्कल चले जाएंगे आपको। खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खत्म हो जाएगा। तो ये गाय का मूत्र अद्भुत है। अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है।